हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं सब अपने यूट्यूब चैनल टॉक एंड टिप्स में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को बड़े ही आसानी से अपने स्मार्टफोन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है उसमें वो सारे डिटेल नहीं दिए रहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम अपने मोबाइल से ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें सारे डिटेल दिए रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, यह निःशुल्क है। बस होगा ये कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो पहुंच जाएगा आपके पास। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने मोबाइल के हम किसी ब्राउजर में जाएंगे और वहां जाकर उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे जो कंपनी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। जैसे मेरे यहाँ तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। देखिए, यहाँ से सर्च करने पर उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट दिख गया और इस यहाँ क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा और हमें दाहिने साइड की ओर कुछ ऑप्शन दिखेंगे, व्यू सर्च कस्टमर एंड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमें यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज खुलेगा, दूसरा पेज खुल चुका है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कृपया उपभोक्ता संख्या डालें। तो इसमें हम अपना कंज्यूमर नंबर डालना पड़ेगा। और दोस्तों, जस्ट इसके राइट साइड की तरफ एक दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि यदि आपका कंज्यूमर नंबर दिखा रहा है कि आपका कंज्यूमर नंबर पुराना है तो आप इसमें अपना पुराना कंज्यूमर नंबर भर के और नया कंज्यूमर नंबर देख सकते हैं, नया उपभोक्ता संख्या देख सकते हैं। बस इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट भरना होगा और अपना सब डिविजन भरना होगा और इससे अपना नया कंज्यूमर नंबर देख सकते हैं। दोस्तों, कंज्यूमर नंबर हमारे बिजली बिल के सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। देखिए, चलिए आते हैं। पहले तो मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखता हूँ कि कंज्यूमर नंबर नया है या पुराना है। यदि नया होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल शो कर देगा। यहाँ पर मैं अपना कंज्यूमर नंबर डालता हूँ और दोस्तों, सुरक्षा के लिहाज से मैं अपना कंज्यूमर नंबर को हाइड कर दिया हूँ। सर्च करने के बाद एक नया पेज खुलता है और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पे बिल व्यू बिल। दोस्तों, यहाँ से ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। व्यू बिल पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल डाउनलोड हो चुका है और इसमें हम अपना सारा डिटेल देख सकते हैं।